हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, एंड वैसे भी आप ज्वाइन करें क्योंकि मैं बहुत सारे बीच बीच में स्पिरिचुअल वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ जहाँ से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है और गाइडेंस में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। हालांकि ये रीडिंग सबके लिए है, बट आज मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाओ। चलिए देखते हैं लेकिन मैसेजेस क्या आते हैं, कैसे आते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बहुत उदास है इस समय, बहुत सैड एनर्जी में है। द व्हील, हैंगमैन, गॉड, टू ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, फोर ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड मुझे दिख गया है, मैं देखना नहीं चाह रही थी, ये कार्ड मुझे दिख गया है इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। डबल फाइव नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डबल फोर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ट्रिपल फोर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रिपल फाइव नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। ब्यूटिफुल एनर्जी, आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव है बिकॉज आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन काफ़ी मुझे मैस्कुलिन लग रहा है। वो पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत यू नो एक काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, एक काफ़ी लॉजिकल पर्सन है। और मुझे लग रहा है इस समय तो जो उनके इमोशंस है ना, आपकी वजह से बहुत बुरी तरीके से हिले हुए हैं। मुझे लगता है उनकी अवेकनिंग हुई है जिसमें उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि आप एग्जैक्टली कौन हो, आपका प्यार एग्जैक्टली क्या है। मुझे लगता है आपके स्पिरिट टीम ने या फिर उनके स्पिरिट टीम ने बहुत सारा रियलाइजेशन उनके अंदर करवाया है, और हो सकता है कि आपकी भी अवेकनिंग हुई हो। राइट, अभी तक ऐसा होता होगा कि आपके दिल में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, लेकिन जो ये फ्लेम्स इग्नाइटेड मुझे जो चैनल्ड हो रहा है, फ्लेम्स इग्नाइटेड, अ केयरिंग कनेक्शन, ये नया हो सकता है या फिर पुराना हो सकता है, आई डोंट नो। फ्लेम्स इग्नाइटेड, आई थिंक आप लोग को इस चीज़ का समझ, आप लोग को इस चीज़ का पता चल गया है, या फिर आप लोग को ये समझ में आने लगा है कि ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज़ नॉट नॉर्मल कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन या फिर आप एक दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हो। फॉर द टाइमिंग जैसे आप मेडिटेशन करते हो या फिर आप डिसाइड भी करते हो कि मुझे इनके बारे में नहीं सोचना, मुझे इनके थॉट से बाहर निकलना है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास 70 काम होते हैं एंड उसमें इनके थॉट्स बार 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 आना, इनकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज बार 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 आना, देन आई डोंट नो किसी को कुछ भी आ सकता है। राइट, तो वो कहीं ना कहीं बीच में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं, तो आप लोग कोशिश भी करते होंगे लेकिन वो थोड़े स्पैन के लिए होता होगा, वापस से आपका थॉट इनकी तरफ दौड़ के जाता होगा। इतना खिंचाव, इतना पुल, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली मिरर कर रहे हो। आपके पास इस समय बहुत सैड है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। या तो उनकी हेल्थ ख़राब है या वो किसी जगह पे बहुत बुरी तरह स्टक है, कोई पुराने अपने रिलेशनशिप में बुरी तरह स्टक है, या फिर मुझे ऐसा फील होता है कि वो इस समय ना बहुत बहुत मेंटली स्टक है, इमोशनली स्टक है। उन्होंने फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन को हो सकते हैं। यस, आपके पर्सन आपकी तरफ कॉल बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल भी कॉल नहीं ले पा रहे हैं।
इतने सैड है उस चीज़ को लेके, बहुत बुरी तरह सैड है। आपके पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली आप दोनों मैनिफेस्ट हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन में खिंचाव पुल बहुत महसूस होता है, तो पूरा टाइम विजुअलाइजेशन होता है एक दूसरे का, और जब विजुअलाइजेशन होता है एक दूसरे का तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। द मैजिशियन की एनर्जी है। एंड यू आर लाइक अ लक फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन को आप हर हाल में चाहिए, हर हाल में, क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। तो मुझे लगता है आपका कनेक्शन कहीं जन्म जन्मांतर से है, और इस जन्म में भी ये शायद ये कनेक्शन कुछ समय पहले शुरू हुआ है, या फिर काफ़ी टाइम पहले शुरू हुआ, या फिर बीच में ब्रेक आ गया था, समथिंग कुछ तो है, राइट? आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, एंड ये प्यार जो है वो म्यूचुअल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करते हैं, आप भी इक्वल करते हो, राइट? अब देखिए, दिस पर्सन इज डाइंग टू सी यू, दिस पर्सन इज, आई डोंट नो, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं इनका पेन देख के समझ सकती हूँ कि ये आपको ना, मतलब ऐसे ऐसे गोदी में पकड़ के रखना चाहते हैं। दिस पर्सन डज नॉट अलाउ यू टू गो एनी वे, सिर्फ इनके पास रहो। बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है, बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है, बहुत हाई लेवल ऑफ प्यार है, जेलेसी भी है थोड़ी थोड़ी लेकिन सिचुएशन बहुत अटकी हुई है। आपके पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है, आपके पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है भगवान को, क्योंकि वो कॉल आपकी तरफ नहीं ले सकते। उनकी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ना, किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो, थर्ड पार्टी से निकले नहीं हो, इसीलिए थोड़े से ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान हैं। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी, यू नो, प्रिटी सैड फॉर देम, जो भी हैं ये, जिनकी लाइफ में ये दुख है, भगवान करे उनको कहीं से भी हीलिंग मिल जाए, उनको कैसे भी हेल्प मिल जाए, लेकिन उनको हेल्प मिल जाए, एंड उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना आप दोनों का यूनियन हो जाए और रीयूनियन हो जाए, जो भी आप लोग को चाहिए। ये देखिए आपके पर्सन ना, आपके पर्सन ने देखो आपको ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं देंगे आपके पर्सन, है ना, इतना ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। यू आर लाइक एवरीथिंग फॉर देम, इतना हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन। और जब ऑब्सेशन होता है तो जेलेसी भी होती है। अगर आपने कोई फोटोग्राफ पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे किसी और के साथ, देन दिस पर्सन विल, इन पर्सन के अंदर बहुत एक टर्बुलेंस तूफान आ जाता है। नो, शी इज़ माइन ओनली, और ही इज़ माइन ओनली, लाइक दैट। इस समय आपके पर्सन के पास कुछ भी ज़्यादा ऑफर करने के लिए नहीं है, वो आपको कुछ छोटा मोटा ऑफर करना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे। मुझे लगता है आपके पर्सन आपकी तरफ ना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लेने वाले हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए समय लगेगा। लेकिन आपके पर्सन आपको रोकना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं, इसीलिए अभी कुछ छोटा ऑफर करके कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं वो, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं वो, कि अभी आपको कैसे भी करके होल्ड करें, राइट? बिकॉज योर पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली नीड्स अ टाइम। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड रोल प्ले कर रहा है, चाहे आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ये बॉन्ड जो है इस जन्म का नहीं है, जो क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, जो क्लियरली बताता है कि आपका जो बॉन्ड है वो जन्म जन्मांतर का, कई पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो आप दोनों। आपके पर्सन देखो, नाइट ऑफ कप्स क्लियरली बताते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एक सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, बहुत स्लो आएंगे, है ना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। इस समय आपके पर्सन हीलिंग मोड में है, इस समय आपके पर्सन, मुझे लगता है उनका दिल टूटा हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं जो भी सिचुएशन में, और अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं वो, है ना। शायद आपने भी किया होगा अपनी सिचुएशन से फाइट, क्योंकि सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी सी टफ होती है, बट यही है कि भगवान पे फेथ रखना चाहिए चाहे कितनी भी टफ हो। यहाँ से मैं कुछ कार्ड लेना चाहूँगी, डेथ एंड रिबर्थ। यस, वो इस कनेक्शन, ओ माय गुडनेस, वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस से आपके पर्सन डेफिनेटली गुजर रहे हैं। 444 नंबर, 444 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, एंड आपके पर्सन का वापस से रिबर्थ हो रहा है। इन्फिनिटी का सिंबल है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन को लेके इस समय। लेकिन आपके पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, मैंने कहा ना आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, मुझे फील हो रहा था कि आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। और टूटा इसलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या फिर कम बातचीत हो रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहे हैं कि इस समय आपके पर्सन बहुत वेटिंग एनर्जी में है, एंड आपको भी वेट करा रहे हैं। वेट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन जो भी है, इस थर्ड पर्सन ने इनकी जान लेके रखी है। टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है,
बुरी तरह से धोखा दिया होगा, या बुरी तरीके से धोखा दे रहे होंगे, या बुरी तरीके से परेशान कर रहे होंगे, है ना। जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है ये जजमेंट आपको लेके है, राइट। जो स्पिरिट टीम ने उनको रियलाइजेशन करवाया है आपकी आपकी एक्चुअल वर्थ का, आपके एक्चुअल प्यार का, वो अभी करवाया है, अभी करवाया है, या फिर कुछ समय पहले करवाया होगा। हर एक की सिचुएशन अलग होंगी यहाँ पे, बट दिस कार्ड इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। देखिए, अगर आप लोग की सिचुएशन बहुत अच्छी है, या फिर इनमें से कुछ जनों की खुद की भी सिचुएशन हो सकती है ये, ठीक है। आप अपने पर्सन को हीलिंग्स भेजिए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, आप उनके लिए प्रेयर करिए, है ना। आपको कुछ रिचुअल्स आते हैं, उनके लिए रिचुअल्स करिए, ताकि उनकी लाइफ जैसी भी है, जहाँ पे भी है, जो भी अटकी हुई है, वो जल्दी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और आप खुद भी हीलिंग करिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में ये होता है, हम मिरर करते हैं। जब हम हील्ड होते हैं तो हमारे पर्सन ऑटोमेटिकली हील्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटिफुल। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। जर्नी, वॉकिंग अवे, डिसीट, ओह गॉड, विक्ट्री, द थिंकिंग वुमन, द वर्ल्ड। लेट मी चेक व्हाई दिस डिसीट कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये डिसीट कार्ड ने मुझे थोड़ा सा मुझे परेशान कर दिया कि वाई दिस डिसीट कार्ड केम। अगर कार्ड्स इतने प्यारे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो डिसीट क्यों? अभी एक्सप्लेन करूँगी वाई दिस डिसीट इज़। 444 बहुत बार आ रहा है, 444 नंबर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू आर लाइक ए ट्रू अबंडेंस फॉर योर पर्सन, हर सेंस में। यू आर लाइक पावर हाउस फॉर योर पर्सन, यू आर लाइक अ फुल पैकेज फॉर योर पर्सन। आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ हो, पूरी तरीके से अबंडेंस हो हर सेंस में। इस समय आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, शायद आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। आपके पर्सन को ये लग रहा है आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, बिकॉज वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई किया है 8 of Cups ने, जो बिल्कुल क्लियरली बताता है कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन। भले नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है ऐसा, ठीक है। आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक सोल जर्नी में हो। किसी, देखो, डिसीट कार्ड जो है ना, वैसे तो वो धोखे का कार्ड है, राइट। बट यहाँ पे कोई मुझे मेजर धोखा नहीं लग रहा, सिर्फ ये लग रहा है कि वो कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आपको जीतने की, आपके ऊपर विजय पाने की, बिकॉज योर पर्सन डज नॉट वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम देम, ठीक है। उन्हें लगता है आप बहुत उनसे नाराज़ हो, आप बहुत उनसे उदास हो, जो भी आपकी एनर्जीज है, जैसी भी आपकी एनर्जीज है, वो उनको यही परसीव हो रहा है कि इस समय आप उनसे उदास हो, आप उनसे नाराज़ हो, वो आपको जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज योर पर्सन ट्रूली जेन्युइनली लव्स यू वेरी मच। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और साथ में द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप बहुत भारी हो इस समय आपके पर्सन पे, ठीक है। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है एंड आप एम्प्रेस हो इस समय, राइट। तो आपकी पावर कहीं ना कहीं उनसे इस समय बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको मनाना चाहते हैं। तरीके कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन से ऐसे ही रहते हैं। द वर्ल्ड का एनर्जी है क्लियरली, सो सॉरी, मैंने कहा मैस्कुलिन से ऐसे ही रहते हैं, बट यस, मैस्कुलिन से ऐसे ही रहते हैं, राइट। वो इफ़ दे लव समबडी, दे कांट गो एंड टेल कि आई लव यू, नो। उनके तरीके अलग होंगे, है ना, स्ट्रैटेजीज वाले होंगे, प्लानिंग ओरिएंटेड रहेंगे, बिकॉज दे आर मैस्कुलिन, उनकी ईगो को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, राइट। एनीवेज, द वर्ल्ड का एनर्जी, यू आर लाइक अ होल वर्ल्ड फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन आपके बारे में 24 24 24 घंटे सोचते हैं,
24 से ज़्यादा अगर घंटे होते तो शायद वो भी सोचते थे। मुझे लगता है आपके पसंद आपके बारे में पूरा दिन सोचते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, नींद भी उनको बराबर आती नहीं होंगी। आह, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन लेना इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। यहाँ से देख लेते हैं क्या है, क्या मैसेजेस हैं लव ओरेकल डेक से। फ्री योर सेल्फ, अगर आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो तो, और आप इस अगर रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो मत करो, अपने आप को फ्री करो, लेट द थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली, क्योंकि आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, और दिमाग को फ्री करो, जो होगा वो समय के साथ होगा। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग, यू बोथ गाइज आर हैविंग अ ह्यूज रोमांटिक फीलिंग्स फॉर ईच अदर। टू ऑफ कप्स क्लियरली पहले ही बता चुकी हैं ये, गेटिंग टू नो ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना। मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एक दूसरे के बारे में, कि किस कुछ भी की उस क्या पसंद हो सकती है, क्या नापसंद हो सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जाना। प्लेफुलनेस, डिवाइन आपको ये कह रही है कि बहुत लाइट हार्टेड हो जाइए, चिल करिए इस रिलेशनशिप को लेके, एंड बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहिए। दो कार्ड और लूँगी मैं, फ्लर्ट करिए करिए, प्लेफुल रहिए, फ्लर्ट करिए, गुड, वेरी नाइस। इट्स ओके, अगर आपके अंदर वो एनर्जी है सामने वाले पर्सन को लेके, तो फिर इट्स ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए। यहाँ तो एंजल्स आपको कह रही है कि आप डिसाइड करिए, लेकिन एंजल ये भी चाहती है कि इस रिलेशनशिप को एक चांस और दीजिए। दिस कुड बी द वन, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, एंड येस, दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम और इन मैनी कमिंग लाइफ बर्थ्स ऑल्सो। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।